कर्ज में डूबी कमलनाथ सरकार का आयोजन आईफा अवार्ड कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस आयोजन को लेकर कमलनाथ पर तंज कसे जा रहे हैं, वहीं आईफा अवार्ड के ग्लैमर और कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश पर सियासत उबाल पर आ गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनाथ सरकार के निकम्मेपन, नकारापन और वादा खिलाफी का जश्न है आईफा अवार्ड। प्रदेश की जनता है हालाकान और नाचने गाने वाले बनेंगे सरकारी मेहमान। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर दलितों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान कर्ज माफी के इंतजार में आत्महत्या कर रहा है, रोजगार युवा हताश और अवसाद का शिकार हो रहा है, कन्याएं अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उपहार राशि का इंतजार कर रही हैं, संबल योजना के हितग्राही कफन सहायता मृत्यु सहायता की आशा में रोज बैंक से खाली हाथ लौट रहे हैं, खाली खजाने का हवाला देकर कमलनाथ सरकार गरीबों की योजनाओं को बंद कर रही है। वहीं दूसरी ओर आईफा अवार्ड के नाम पर सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यह आईफा अवार्ड प्रदेश की जनता के पैसों से हो रहा है, कमलनाथ सरकार के नाकारापन, वादा खिलाफी और दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों का जश्न है आईफा अवार्ड। उन्होंने कहा कि गरीबों की चिंता करने की बजाय कमलनाथ सरकार फिल्मी सितारों की आवभगत में लगी हुई है, प्रदेश की जनता हालाकान और नाचने वाले सरकारी मेहमान बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को आईफा अवार्ड जैसे नाच गाने का शौक है तो बड़े शहरों में जाकर अपने पैसों से अपने शौक पूरे करें, जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे आयोजनों पर खर्च करना जनता का अपमान है जिसे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब प्रदेश में एक नया आइटम दिखाई जा रही है, वो आइटम का नाम है आईफा अवार्ड। भोपाल इंदौर शहरों में जैसा बताया गया है ये अवार्ड का आयोजन होगा, लगभग 60-70 करोड़ रुपये इस अवार्ड में खर्च होना है। प्रदेश की जैसी आर्थिक स्थिति है स्वयं सरकार स्वीकार करती है इस बात को, ना उसके पास किसानों की ऋण माफी के लिए पैसा है, ना बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए पैसा है, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और तो और कन्यादान में जो स्वीकृत राशि 51,000 रुपया, वो 51,000 रुपया भी हजारों कन्याओं के खाते में आज तक 6 महीने हो गए नहीं पहुँची है। अनेकों ऐसे विषय कफन दफन का पैसा भी 5,000 रुपया सरकार नहीं दे रही, जो संबल योजना है उसका 2,00,000 रुपया नहीं दे रही, जो मृत्यु होती है 4,00,000 रुपया दुर्घटना से उसको नहीं दे रही। अनेकों ऐसी बातें हैं जिनमें सरकार को पैसा तत्काल देना चाहिए नहीं दे रही, लेकिन अब उसके लिए हीरो और हीरोइनों के लिए उनके आनंद लेने के लिए भोपाल इंदौर में कार्यक्रम करना है। मैं मान के चलता हूँ कि यह फिजूल खर्ची है और तत्काल प्रभाव से इसको बंद होना चाहिए। ये आईफा वाईफा अवार्ड जो है ये बम्बई दिल्ली के लोगों का है, मध्य प्रदेश वैसे भी एक प्रकार से मैं मान के चलता हूँ कि फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और आर्थिक संकट के इस समय में एक एक पैसे का सदुपयोग कमलनाथ की सरकार को करना चाहिए, यही मेरी उनको सलाह है। यदि वो आईफा अवार्ड करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रदेश के गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों और बेकारों के ऊपर, लाचारों के ऊपर, और तो और उन गरीब कन्याओं के जिनके खाते में पैसे नहीं गिरे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रघात होगा, और वो इस कार्यक्रम के लिए रोके, मेरी यही अपेक्षा है उनसे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि एक तरफ सरकार खाली खजाने का रोना रो रही है, तत्कालीन भाजपा सरकार पर दोषारोपण कर रही है कि खजाना खाली छोड़ा गया, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? पता चला है कि सरकार आईफा अवार्ड पर करीब 58 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है, यह राशि और भी ज्यादा हो सकती है। इसकी तैयारियों के लिए सरकारी मशीनरी को लगाया गया है, लेकिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक साल भी जाने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृद्ध जनों के लिए जिलों की निराश्रित निधि के 750 करोड़ भी अन्यत्र खर्च कर दिए। अतिथि शिक्षक पिछले 53 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार का यह तर्क है कि आईफा से रोजगार बढ़ेगा, यह हास्यास्पद है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।